Now today's topic is types of superconductor. Superconductors. So first of all, I talk about what is a superconductors. The substance which shows the superconductivity at low temperature are called superconductor. Okay, देखो superconductor क्या होते हैं? वो material जिसकी low temperature में क्या resistivity almost is equal to क्या होती है? Zero होती है. That types of material are called superconductors. Okay, so there are two types of superconductor. First is type 1 superconductors, और इसको हम soft superconductor भी बोलते हैं. Okay, this is soft superconductor. And जो second है type 2 superconductor और hard superconductor. सुपर कंडक्टर को टू पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है, जब हम सुपर कंडक्टर्स में जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं तो ये दो तरीके से बिहेवियर शो करते हैं. ठीक, इसलिए इसको क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक सॉफ्ट बिहेवियर शो करता है और एक हार्ड बिहेवियर. तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप 1 सुपर कंडक्टर. टाइप 1 और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स. ओके, डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर्स इन द एक्सटर्नल प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज टाइप 1 सुपर कंडक्टर, सेकंड इज टाइप 2 सेपरेट कंडक्टर. लेट्स टॉक अबाउट द सुपर कंडक्टर. देखते हैं हम इसकी. देखो इस तरफ शो कराते हैं मटेरियल की जो सुपर कंडक्टर है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, मतलब जब या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है कि वीक होती है. ओके, दिस इज एच एंड यहां पे शो करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. Intensity of magnetization is denoted by capital N. This is x-axis, this is y-axis. Okay? तो देखो, जैसे ही हम type 1 superconductor में external magnetic field apply करते हैं तो इसकी जो magnetic intensity of magnetization है वो linearly क्या होती है, increase होते रहती है. ठीक, एक कंडीशन ऐसे आती है कि सुपर कंडक्टर जो मटेरियल है वो एकदम से इस एक्सटर्नल फील्ड को और बढ़ाने पर क्या होती है, इसकी जो इंटेंसिटी वो क्या होती है, जीरो हो जाती है ना, क्विकली हो जाती है, एब्रप्ट बोल देते हैं इसको, तो क्या होती है, जीरो हो जाती है. और जिस स्ट्रेंथ, जिस मैग्नेटिकल फील्ड में या जिस मैग्नेटिकल फील्ड स्ट्रेंथ में इसकी जो कंडक्टिविटी है और सुपर कंडक्टर्स है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉर्मल कंडक्टर में. ठीक है, ये अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है. जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से वो जीरो हो जाता है, और जिस मैग्नेटिकल स्ट्रेंथ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाती है उस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिकल फील्ड. ओके, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय सी. क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, तो
ये जो इस तरह का जो रीजन है, ये जो रीजन है ये कैसा रीजन रहता है, यहाँ पे जो मटेरियल है वो कैसा रहता है, सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर की स्टेट में रहता है। आफ्टर यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके यहाँ से यहाँ तक के रीजन में जो सुपर कंडक्टर है वो कैसे अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो 0.1 टेस्ला की होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। और ये पार्शली डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक, एंड दे फॉलो द मिसनर इफेक्ट। ओके, मिसनर इफेक्ट, ओके। और इस टाइप के जो सुपर कंडक्टर हैं, है ना, बहुत ही कम इनका यूज किया जाता है, बिकॉज इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, लोअर होती है। देयरफॉर इसका जो यूज होता है टाइप वन सुपर कंडक्टर का बहुत कम किया जाता है, ठीक। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट, टाइप टू और अ हार्ड सुपर कंडक्टर्स, टाइप टू एंड हार्ड सुपर कंडक्टर। सो लेट्स सी द फिगर, इसके इस फिगर से डिनोट करेंगे, है ना। इधर लगाएंगे क्या, अप्लाइड मैग्नेटिकल फील्ड, स्ट्रेंथ, ओके। एंड एक एक्सिस में क्या लेंगे अपन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इज डोनेटेड बाई कैपिटल है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम सुपर कंडक्टर में, किसी सुपर कंडक्टर मटेरियल में, जब हम इसकी इंटेंसिटी मैग्नेटिकल फील्ड स्ट्रेंथ को हम जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो भी क्या होती है, एक पॉइंट तक इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद और बढ़ाने पे ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, होती है लाइक ऐसे कर्वेचर फॉर्म में डिक्रीज होते होते किसी पॉइंट में जाके क्या होती है, पूरी कम हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट जहाँ से ये डिक्रीज होना चालू कर देता है, दिस इज फर्स्ट फर्स्ट SC1 उसको बोलते हैं, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। और जहाँ पे ये पूरा जीरो हो जाता है, पूरा जिसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होती है, पूरी हो जाती है जीरो, ठीक, तो उसको बोलते हैं सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। तो इस स्टेप की जो इफेक्ट है वो क्या होता है, टाइप टू सुपर कंडक्टर, ठीक। इसमें क्या होता है, इसको हार्ड सुपर कंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिकल जो स्ट्रेंथ रहता है वो क्या होता है, टाइप वन सुपर कंडक्टर से अधिक होता है, मतलब इसमें मैग्नेटिकल स्ट्रेंथ हमको अधिक देना पड़ता है, इसलिए इसको हार्ड सुपर कंडक्टर रहता है। ये जो रीजन है इसमें तीन टाइप्स के रीजन मिलते हैं, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड और ये लास्ट रीजन है। तो ये जो रीजन है, इतना जो रीजन है, इतना जो रीजन, इसको बोलते हैं, इसमें जो मटेरियल रहता है वो कैसा रहता है, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की स्टेट में रहता है, ठीक। और इन दिस रीजन जो जो मटेरियल जो उसमें हाफ सुपर कंडक्टर एंड हाफ करता है नॉर्मल स्टेट में रहता है, उसको बोलते हैं मिक्स स्टेट, कैसे बोलते हैं, मिक्स स्टेट। और इसको बोलते हैं वॉर्टेक्स स्टेट ऑल्सो, वॉर्टेक्स स्टेट, ठीक। इस टाइप की इस रीजन को क्या बोलते हैं अपन, वर्टेक्स स्टेट भी बोलते हैं। अब इस ये जो रीजन थर्ड है, इस स्टेट में जो मटेरियल है सुपर कंडक्टर है वो अपने क्या आता है, नॉर्मल स्टेट में आता है, नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। मतलब ये जो कर्व है अप्रोप्रिएटली या क्विकली जीरो पे नहीं आती इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लार्ज मैग्नेटिकल फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय दी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, सो दे आर कॉल्ड हार्ड सुपर कंडक्टर। ये जो HC.1 है, HC1, इसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और HC2 है, जो HC2
टू है उसको बोलते हैं अपर क्रिटिकल मैग्नेटिकल फील्ड, है। तो इस टाइप के जो सुपर कंडक्टर होते हैं उसका यूज हाई टाइप मैग्नेट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज है जो हम फ्यूजन रिएक्टर में भी करते हैं एंड पार्टिकल एक्सेलरेटेड होते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है एक्सेलरेटर बनाने के लिए भी इस टाइप के सुपर कंडक्टर का हम यूज करते हैं, टाइप टू सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। और जो टाइप वन सुपर कंडक्टर है उसका बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है एकदम लो मैग्नेटिकल फील्ड में इसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो क्या रहती है जीरो हो जाती है, दैट मीन वीक मैग्नेटिकल फील्ड में भी इसकी जो मैग्नेटिकल इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाती है, और इसमें हाई मैग्नेटिकल फील्ड लगाने के कुछ देर बाद इसकी जो मैग्नेटिकल इंटेंसिटी हो क्या होती है कम होती है। सो दिस इज टाइप वन एंड टाइप टू सुपर कंडक्टर।